Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. So friends, मैंने अभी बायोलॉजी के तीन क्लासेस दे दिए हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, जो कि विटामिन के बेस पे थे. विटामिन और विटामिन के कैटेगराइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है. आज जो क्लास फोर है, हम लोग आज उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट टीथ, टीथ के बारे में, दांतों के बारे में. वो ह्यूमन टीथ भी हो सकते हैं. आगे फर्दर हम लोग एनिमल्स के टीथ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं टीथ टॉपिक. टीथ आर हार्ड येलो सब्सटेंस सराउंडिंग पल्प. ओके, जो टीथ होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड येलो सब्सटेंस होते हैं. नॉर्मली लोग कहते हैं मुझे व्हाइट टीथ चाहिए, व्हाइट टीथ चाहिए, तो ऐसा नहीं है. व्हाइट टीथ नहीं होते, वो येलो ही होते हैं टीथ, जो एक्चुअल टीथ और अच्छे टीथ जिसे कहते हैं, दैट इज अ हल्का सा येलो होता है. एंड सराउंडिंग पल्प मतलब जो हमारे मसूड़ों में वो ज्वाइंट रहते हैं. अकॉर्डिंग टू मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं वो बताऊंगी उसमें कौन सा पल्प. ओके, सो दैट इज अ टीथ आर द हार्ड सब्सटेंस एंड येलो सब्सटेंस सराउंडिंग द पल्प, दैट इज टीथ. टीथ का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, अब इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट है, सेल्स फॉर्मिंग टीथ आर कॉल ऑडेंटोप्लास्ट. जो सेल हमारे बनाते हैं टीथ को, हमारे दांतों को बनाते हैं, उसे ऑडेंटोप्लास्ट कहते हैं. ऑडेंटोप्लास्ट का मैंने एक एमसीक्यू करवाया था. जो लोग स्टडी करते हैं टीथ के बारे में, उसे ऑडेंटोलॉजी कहते हैं. सो दैट इज नोन एज सेल्फ फॉर्मिंग टीथ जो बनता है उसे क्या कहते हैं, ऑडेंटोप्लास्ट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडिंग ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज ऑडेंटोलॉजी. देखिए, मैंने अभी इसी की बात की थी. तो ये स्टडी ऑफ पैटर्न, अगर हम लोग दांतों के पैटर्न और उनके अरेंजमेंट्स, दांतों के अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें और उस चीज़ की स्टडी करें, तो दैट इज नोन एज ऑडेंटोलॉजी. ओके, तो ऑडेंटोलॉजी और ऑडेंटोप्लास्ट में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो सेल्स होते हैं हमारे टीथ के फॉर्मिंग, दैट इज नोन एज ऑडेंटोप्लास्ट, एंड द स्टडी एंड द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज ऑडेंटोलॉजी. तो उसके बिहाफ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है टीथ स्ट्रक्चर. टीथ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक इससे अच्छा कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको उसका डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दूँ. आई थिंक दांत तो सबको पता होगा किस शेप में होता है. तो ये कुछ इस तरह का शेप में आपका दांत होता है. ओके, ह्यूमन टीथ की बात कर रही हूँ मैं. ओके, सो जो इसकी हार्डेस्ट लेयर और जो आउटर लेयर होती है, दैट इज नोन एज एनामल. एनामल होता है, जैसे जिसे इनामल कहते हैं आउटर लेयर को, जो हमारे दांतों की होती है. नॉर्मली लोगों की घिस जाती है ये इनामल लेयर, तो इसी वजह से उनको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है. लोग वैसे तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंडा खाने वाले भी बहुत होते हैं, पर उनके कोई असर नहीं होता, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट हाँ, इसकी बात करें तो जिनको ठंडा गर्म ज़्यादा लगने लगता है, उनकी इनामल लेयर थोड़ी सी घिस जाती है या कम हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, सो दैट उनको ये सारी चीज़ें दिक्कत आने लगती है. ओके, सो नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो लेयर है, ये देखिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बना हुआ है स्क्वायरिंग शेप में, दैट इज नोन एज पल्प. जो मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, कैसा सब्सटेंस जो पल्प के सराउंडिंग में रहता है, दैट इज नोन एज पल्प. ओके, दिस इज अ पल्प, इसको पल्प कहते हैं. ओके, दिस एरिया इज पल्प, दिस एरिया इज एनामल. ओके, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर क्या होता है, डेंटाइन होता है. डेंटाइन, ये देखिए, इसके जस्ट रिलेटेड होता है, रूट्स के जस्ट अबव होता है. दिस इज वेसल्स, और इसको नॉर्मली रूट्स भी बोल सकते हैं आप दांत की, बट इसे वेसल्स बोला जाता है इन आर बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म. तो ये वेसल्स के फॉर्म में होता है. ये जो मैंने बनाया हुआ, ये दिस एरिया इज नोन एज गम्स. गम्स जो रेड कलर के हमारे दांतों में दिखाई भी देते हैं, दांतों के नीचे होते हैं, तो दैट इज नोन एज गम्स. ओके, दैट इज नोन एज गम्स. ये रूट्स हमारे जो होते हैं, जिसके थ्रू ज्वाइंट होता है हमारा टीथ, दैट इज वेसल्स. मैंने एक दांत बनाया, तो अब ये ना कहिएगा कि 32 टीथ होते हैं, तो 32 टीथ का क्या, ये सारे ही ऐसे ही 32 टीथ जो हमारे एक यंग एडल्ट ह्यूमन बींग के होते हैं, सबका प्रोसेस यही होता है. ओके, आउटर लेयर को एनामल कहते हैं, उसके नीचे वाले लेयर को पल्प कहते हैं, उसके नीचे वाले लेयर को डेंटाइन कहते हैं, उसके बाद जो नीचे वाला है उसे वेसल्स कहते हैं, जो गम्स है हम लोग के अटैच होते हैं, तो दैट इज अ गम. ओके, तो अब देख लीजिए, जो ऊपर के जो दो लेयर्स हैं गम्स के पहले तक के, उसे क्या कहते हैं, दैट इज क्राउन. ओके, दैट इज नोन एज क्राउन. और जो नीचे वाला है, जैसे गम और रूट्स के वाले बात करें, तो दैट इज नोन एज रूट्स. जो मैं अभी पहले बोल भी रही थी रूट्स के बारे में, तो दैट इज नोन एज रूट्स. ओके, आई थिंक टीथ का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा.
और टीथ में अगर आपने ये चीज सीख ली, ये चीज याद कर लिया, तो आई थिंक ये पॉइंट्स भी आप आराम से बना सकते हो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हो कि आपका कोई भी एग्जाम में अगर आ जाए तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट अगर ये सारी चीजें नोट करनी है तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि ये सारी चीजें बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक कुछ की अच्छी होगी ड्राइंग तो फटाफट बन जाएगा, कुछ की नहीं होती है तो दैट इज नॉट द केस कि आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। ओके, और प्लीज जिसको भी जरूरत है इन वीडियोज की, प्लीज उसे शेयर करना ना भूलो, शेयर करते रहो सो दैट दूसरे को भी ये नॉलेज मिलती रहे। उसके आगे फर्दर मूव करते हैं। तो देखो हम लोग फर्दर मूव करने के बाद, अभी हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ लिया एंड टीथ का स्ट्रक्चर देख लिया, अब डेंटल फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे ओ माय गॉड, टीथ का भी फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, डेंटल का भी फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो डेंटिस्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे टीथ निकालते और बैठाते हैं। तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ 2123, 2123 दैट इज अ अपर जॉ, यूजी जो मैंने लिखा है दैट इज नोन एज अपर जॉ। अपर जॉ मतलब ऊपर का जो दांत का हिस्सा होता है, एंड दैट इज लोअर जॉ, लोअर जॉ मीन्स दैट इज द डाउन साइड, नीचे वाला जो जॉ का हिस्सा होता है हमारा, दैट इज द लोअर जॉ। ओके, अब मैंने बोला है 2123, आप लोग सोच रहे हो कि 213 दैट इज अ न्यूमेरिक नंबर, तो ये क्यों लिखा गया है? तो दैट इज नोन एज द मैक्सिला। मैक्सिला यू नो जो अपर हमारे दांत होते हैं ऊपर के, उसे हम मैक्सिला बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है दैट इज मेंडेबल। ओके, दैट इज नोन एज मेंडेबल, तो इसे मेंडेबल बोलते हैं, मैक्सिला एंड मैंडेबल, ऊपर वालों को मैक्सिला, नीचे वालों को मैंडेबल बोलते हैं। 2123 ऊपर भी रहता है, 2123 नीचे भी रहता है, क्योंकि आप देखोगे अगर कभी भी शीशे के सामने अपना पूरा यू नो दांत खोल के देखो तो आपको दिखेगा जितने ऊपर है टीथ उतने ही नीचे होते हैं, तो कोई कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर कम है या नीचे कम है, दोनों जगह इक्वली होता है। हाँ, इसको 2123 का क्या मतलब होता है, ये क्यों लिखा हो गया है वो मैं बता देती हूँ आपको। जो टू लिखा हुआ है दैट इज डिनोटेड बाय द इंसाइजर्स, इंसाइजर्स टीथ बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, इतना डीप तो शायद ना पढ़ा हो बट हाँ नाम आपने सुने जरूर होंगे। 2123 में टू जो है दैट इज नोन एज इंसाइजर्स, वन इज दैट इज कैनन्स। ओके, एंड देन फिर जो उसके बाद वाला जो टू है दैट इज नॉट इंसाइजर्स, दैट इज प्रीमोलर्स। ओके, वो प्रीमोलर्स होते हैं, और जो थ्री स्टैंड्स होता है दैट इज मोलर। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर से सुन लो। जो टू होता है 2123 में, आप वो सोचो वो इंसाइजर्स होते हैं, दूसरा वाला वन जो होता है दैट इज कैनन्स, एंड जो तीसरा वाला टू है दैट इज प्रीमोलर्स, एंड द लास्ट द थर्ड बट नॉट द ली दैट इज मोलर्स। ओके, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडेला, इंसाइजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब भाई मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, 2123 का भी बता दिया, बट एक्चुअली ये क्यों मैंने लिखा है या ऐसा क्या होता है? देखो इंसाइजर्स जो होता है, मैंने जैसे 2123 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2123 सी मैंने लिखा हुआ है, ये 2123, 2123 लिखा हुआ है। अब इसको मैंने जब 4 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 8, 4 2 8, अब बोलोगे आप 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द ऑल नंबर्स। ओके, दैट इज एन मल्टीप्लाई बाय द 4 इक्वल्स टू दैट मंथ्स। अभी देखो मैं बताती हूँ ये क्या है, कि कितने कितने महीने तक या कितने कितने सालों तक वो दांत हमारे रहते हैं। ठीक है, जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं वो 2 × 4 दैट इज 8, 8 मतलब 7 से 9 महीने तक के हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। जब 7 से 9 महीना हो जाता है तो दांत अचानक हट जाता है, टूट जाता है, दैट्स मैटर। ओके, तो 7 to 9 months वो रहता है इंसाइजर्स। कैनन्स जो होता है 1 to 4 दैट इज 4, तो ये 18 months रहते हैं। ये ऐसे 4 दांत होते हैं जो 18 months रहते हैं, ये ऐसे 8 दांत होते हैं जो कि आपके क्या 8 टीथ होते हैं जो 7 to 9 months रहते हैं, दैट इज अ 4 टीथ एंड दैट इज फॉर 18 months, एंड देन प्रीमोलर्स दैट इज 4 to 8 टीथ दैट इज फॉर 24 months। ओके, फॉर 2 ईयर यू कैन से। नेक्स्ट इज मोलर्स, मोलर जो होता है दैट इज 12 टीथ ऐसे हमारे होते हैं। ये 32 टीथ जो होते हैं उनको डिफाइन एक्चुअली किया गया है, सो आप उतना घबराओ नहीं। और ये हमारा 6 to 20 years रहता है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग ज़्यादातर टाइम हम लोग के रहता है। दैट इज़ अ मोलर टीथ, जो हम नॉर्मली हम लोग के नहीं ज़्यादा जल्दी निकलते और टूटते हैं, तो दैट इज़ अ मोलर टीथ। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये 2123 क्यों बताया था आपको। 2133 जो है, जो इंसाइजर्स है वो 7 to 9 months हमारे माउथ में रहते हैं, टीथ में रहते हैं, गम्स में रहते हैं। कैनन्स जो है वो 18 months के लिए रहते हैं, प्रीमोलर्स 24 months दैट इज 2 years, एंड मोलर्स इज फॉर 6 to 20 years। ओके, 6 to 20 years के लिए रहते हैं हमारी बॉडी में।
नेक्स्ट आते हैं इंसाइजर्स के बारे में। तो इंसाइजर का क्या यूज होता है, अभी देख लिया कित क्या कहते थे, अभी देख लिया कितने महीने या कितने टाइम के लिए हमारे माउथ में रहते हैं, हमारे बॉडी के पास रहते हैं, बट अब इनका यूजेस क्या है, ये दांत अगर ना हो तो हमारे क्या काम रुक सकते हैं, तो वो मैं पढ़ती हूँ। देखिए इंसाइजर्स जो होते हैं वो स्लाइस एंड कट पीसेस, हम लोग स्लाइस करने के लिए या हम लोग कोई चीज़ को काटते हैं तो इंसाइजर्स वो हमारे होते हैं कि कट और स्लाइस करने में हेल्पफुल रहता है। दूसरा जो कैनियंस होता है वो टेयर द फूड, वो फूड को टेयर करने में हेल्प करता है। प्रीमोलर्स जो होता है दैट इज च्यूइंग द फूड, जो हम लोग खाना चबा के खाते हैं वो हमारा प्रीमोलर्स करता है, प्रीमोलर्स जो 24 मंथ्स टाइप रहता है। फिर जब मोलर की बात करते हैं दैट इज अ ग्राइंडिंग द टीथ, ग्राइंडिंग द टीथ जो हमारा पूरे खाने को ग्राइंड करता है, ठीक है। तो दैट इज ये तीन चारों फंक्शन है, चारों इंसाइजर्स कैनियंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि क्या यूज है, क्या उसके फॉर्मूला, कितने मंथ तक रहता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कहाँ पे कौन सा पाया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी टीथ के बारे में। अब ये मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम टीथ का बनाया हुआ है जिससे आपको टीथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके दैट इज अ अपर जॉ, मैंने यूजी बोला था ऊपर अपर जॉ, एंड दैट इज अ लोअर जॉ, लोअर जॉ मतलब नीचे वाला जॉ। अब ये दांत है, देखिए इसमें एक ये तो नुकीले दांत दिख रहे हैं आपको, ये जो नुकीले दांत होते हैं दैट इज अ कैनियंस, कैनियंस मतलब जो हमारे टेयर करते हैं फूड को, कुछ नुकीले दांत भी होते हैं कभी महसूस करना। आगे के जो दो होते हैं दैट इज अ इंसाइजर फ्रॉम द जॉस दैट इज स्लाइस एंड कट, फिर इसके जो नुकीला दांत है दैट इज फॉर द टेयर द फूड, एंड इसके बीच के जो होते हैं दैट इज अ प्री मोलर्स एंड देन आफ्टर दैट इज अ मोलर्स एंड दैट इज मैक्सिला एंड दैट इज मैंडिबल, मैंने बताया था आई थिंक आपको ऊपर वाला। ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे जो हमारा है दैट इज अब हम फीचर पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ का, ह्यूमन टीथ के क्या फीचर्स होते हैं, टीथ के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ क्या होते हैं। ओके सो ह्यूमन टीथ क्या होता है, सी दैट इज हेट्रोजेंट्स, हेट्रोजेंट्स होते हैं, हेट्रोजेंट्स इट इज ऑफ फोर टाइप्स, हेट्रोडेंट्स जो होते हैं हेट्रोडेंट्स फोर टाइप्स के होते हैं हमारे फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ में, जस्ट इज फर्स्ट इज हेट्रोडेंट्स इट इज ऑफ फोर टाइप्स, सेकेंड इज डाइफोडेंट्स, डाइफोडेंट्स जो होते हैं इट कम्स ट्वाइस इन अ लाइफ, ये जिंदगी में ही नॉट अ ईयर, ये जिंदगी में लाइफ में ही दो बार आते हैं, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो बार जिंदगी में आते हैं और दो ही तरह के होते हैं, दैट इज पहला मिल्क टीथ और बेबी टीथ, जो दूध के दांत हमारे कहे जाते हैं बचपन में कि दूध के दांत हैं गिर गए, तो वो मिल्क टीथ होते हैं, बेबी टीथ जिन्हें बच्चों के टीथ कहते हैं वो बचपने में ही वो निकलते भी हैं। दूसरा है एडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ, जो बड़ों के दांत निकलते हैं वो नॉर्मली परमानेंट रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे जो है डायफेरोडेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका है थिकोडेंट्स, थिकोडेंट्स किसे कहते हैं, थिकोडेंट्स क्या होता है बेटा, इट इज कमिंग फ्रॉम कैविटी, जो थिकोडेंट्स होता है ये हमारा कैविटी के थ्रू आता है, एंड रैकेट्स ऑफ जॉज बोन्स एंड जॉज एंड बोन्स, जो दांत हमारे नॉर्मली खराब हो जाते हैं, हमने देखा होगा पीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो वो सारे दांत जो थिकोडेंट्स के थ्रू आते हैं, क्लियर। अब टीथ के बारे में कुछ डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं या टीथ को एक्सप्लेन करवा लेते हैं जिससे आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट आर द टीथ्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीथ एंड व्हाट आर द टीथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सो लोअर टीथ कम अर्लियर देन अपर, जो लोअर टीथ होते हैं नीचे के जो दांत होते हैं वो पहले आते हैं कंपेयर टू अपर टीथ, इतना समझ में आया, नीचे के दांत हमारे जल्दी निकलते हैं एज कंपेयर टू ऊपर के दांत से। ओके नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर दैट इज क्राउन इज ओनली विजिबल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन टीथ, जो क्राउन है जैसे हम लोग जब अपना मुंह खोलते हैं तो जो आगे के दांत हमारे दिखते हैं मुंह खोलने के बाद दैट इज नोन एज क्राउन टीथ, क्राउन टीथ ही ऐसे हैं जो ह्यूमन टीथ में आगे तरफ दिखते हैं। फ्लोरीन एलिमेंट इज फाउंड इन एनामल्स, जो हमारे ऊपर की लेयर दांतों की होती है उसमें फ्लोरीन का एलिमेंट पाया जाता है। डेंटिस्ट नर्व और टीथ सेंसिटिविटी दैट इज ट्रामेजिनल नर्व, जो डेंटिस्ट लोग नर्व ढूंढते हैं या डेंटिस्ट लोग जिस चीज़ को चेकआउट करते हैं कि वो सेंसिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दैट इज नोन एज ट्रामेजिनल नर्व। ओके तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी इसमें हैं बिकॉज कि आपको थोड़ा बहुत पता हो, और जो आप याद कर सकते हो याद कर लो, जो लिख सकते हो लिख लो, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो को पॉज करके आप लिख चलो, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, फिर बाद में आपको फिर से वीडियो को गो थ्रू करना पड़ेगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेंटाइन
इज हार्ट, जो डेंटाइन हमारे लेयर बताया था मैंने पीछे लास्ट में आपको, तो डेंटाइन लेयर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, तभी वो रूट के नीचे जस्ट छुपा हुआ होता है। येलो सब्सटेंस सराउंडिंग द पल्प, जो येलो सब्सटेंस होता है डेंटाइन के ऊपर, दैट इज अ येलो सब्सटेंस एंड दैट इज सराउंडिंग टू द पल्प। मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया है ना कि पल्प क्या होता है, येलो सब्सटेंस क्या होता है, दैट इज वॉट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, एनामल प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम सेंसिटिविटी हीट और कोल्ड। अभी मैंने बोला था इनामल जो है, जो आउटर लेयर होती है दांत की, वो ही हमारी सेंसिटिविटी को बचाती है कि गर्म और ठंडा ज़्यादा ना लगे। तो जिनकी वो लेयर घिस जाती है, कम जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, केयर नहीं की जाती है, तो उन्हीं लोगों को ठंडा गर्म कुछ ज़्यादा लगता है। ओके, तो आई थिंक आप अपने दांतों की प्लीज सेफ रखें, उसको ब्रश करें ट्वाइस अ डे, जिससे एटलीस्ट वो हेल्प करे आपको। ओके, तो आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा आपको। सो इनामल प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम सेंसिटिविटी हीट एंड कोल्ड। सो मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। जो मैंडिबल होता है, जो मैंने बताया था नीचे वाला होता है, दैट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। स्कल के साइड पे जो मूव कर सके वो एक ऐसा इकलौता है बोन। एंड विजडम टीथ, अब विजडम टीथ क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया आपको कि जो है क्राउन टीथ होता है वो आगे की तरफ दिखता है। एंड विजडम टीथ जो होता है लास्ट टीथ ऑफ मोलर्स, मोलर्स के जो टीथ होते हैं लास्ट के, दैट इज 22 23, मैंने बोला था 21 23, दैट इज 22 23, एंड दैट इज नोन एज द विजडम टीथ। ओके, एंड दैट द लास्ट टीथ ऑफ द मोलर टीथ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।